नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम खास मुलाकात में। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग एक ही काम करते हैं जिंदगी में, और कुछ लोग एक ही जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। आइए मिलवाते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से आज खास मुलाकात में, जिनका नाम है अवि डांडिया। जी हाँ, आप NRI हैं और साथ ही इन्होंने क्लीन सिटी के साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जो सामाजिक मुद्दा फैला हुआ है रेप का, जी हाँ, रेप विक्टिम्स पर किस तरह से रोक लगे उस पर इन्होंने मुहिम छेड़ी है। तो मिलते हैं रवि डांडिया जी से। अवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास मुलाकात में। अवि जी, आज के दौर में अगर हम बात करें तो रेप सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो रेप के बारे में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर रेप केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? रेप केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं, राखी जी, एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एजुकेशन का एक तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और दूसरा ये है कि आज की पेरेंटिंग और जो हमारे टाइम की पेरेंटिंग होती थी उसमें बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। आज क्या है कि पैसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है समाज के लिए। अपन लोग देख नहीं रहे कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे इसके अंदर टूट रहा है। मतलब आप समझ लीजिए, आप जो सोशल बेस था अपना, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है। आप पहले की पिक्चरें देख लीजिए, आज की पिक्चरें कैसे आ रही हैं, पहले के गाने देख लीजिए, आज के गाने कैसे आ रहे हैं, पहले का पहनावा आज का पहनावा कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज इसके अंदर एडेड है, और जितना भी बुराई है वेस्ट की वो अपन लोग ग्रहण कर रहे हैं, और जो उनकी अच्छाई है वो तो अपन लोग ले नहीं रहे वहां से। अभी जी, जैसे आपने कहा कि वेस्ट की बुराइयां हम ग्रहण कर रहे हैं, आप एक NRI हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये जो बलात्कार वाली बातें हैं, बहुत सारा जो शोषण हो रहा है, आपके अंदर ये सारी बातें कैसे आई कि नहीं हिंदुस्तान में जाकर मुझे ये मुहिम छेड़नी है? तो इसके अंदर शुरुआत की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, क्यों लगा आपको कि मुझे इस लाइन में आना चाहिए? देखिए राखी जी, ऐसा है कि अभी तो नवरात्रों का टाइम है, अपन सारी देवियों की यहाँ पे पूजा करते हैं 9 दिन, और उसके बाद अपन लोग भूल जाते हैं कि क्या है सब इसके अंदर रूट कॉज क्या है। रूट कॉज इसके अंदर एक ही है कि अपन लोग को समझना पड़ेगा कि समाज के अंदर पूरा समाज इसके अंदर टूट रहा है। कोई भी किसी को भी ध्यान नहीं है कि जहाँ पे वो रहते हैं बस वहीं तक है हिंदुस्तान, उसके बाहर उनको कोई भी परवाह नहीं है। तो धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, और हमारे वहां पे अप्रवासी भारतीयों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम वहां पे इस चीज का हो जा रहा है कि ये बिल्कुल ही रेप कैपिटल बन रहा है इंडिया। अमेरिका में भी रेप होते हैं बहुत ज्यादा, मगर वहां पे जस्टिस मिलता है बहुत फास्ट, यहाँ पे जस्टिस मिलता नहीं है। फिर ये जितनी भी आप जितनी भी रेप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी तबका जो इनका है, जो समाज का तबका, जो अपने लोअर स्टेटा ऑफ समाज है उसके अंदर ज्यादा हो रहे हैं रेप। उनके पास पैसा नहीं होता जस्टिस करने के लिए, ना वो कोर्ट जा सकती हैं, ना वो 2-3 बारी जाती हैं हेयरिंग में, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो सबसे बड़ी पहला ऐसा कौन सा वाकया था, या पहले एकदम स्ट्राइक कैसे हुआ कि नहीं मुझे रेप के लिए ही कुछ वर्क करना है, और जो भारत में शोषण हो रहा है महिलाओं के प्रति, जो भी मुहिम छेड़नी है हिंदुस्तान में आकर, यानी कि आप USA में आप वेल सेटल्ड हैं, अच्छी तरह से बिजनेस संभाल रहे हैं, उसके बावजूद भी अचानक स्ट्राइक होना एक अलग ही बात है। नहीं, हमें कहते हैं हम अप्रवासी हैं, मगर हम लोग अप्रवासी भारतीय नहीं है, हम उत्तरी भारतीय जितना यहाँ पे रहने वाले हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आप हिंदुस्तानी हो गए। पहली बात तो आपको हिंदुस्तान के लिए क्या कर सके आप, उस पर करता है निर्वाह। आप अपने बच्चे बड़े करते हैं, सब करते हैं, वो सब ठीक है, आपने समाज के लिए क्या किया? मेरा एक समाज से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अपन लोग मंदिर में, मस्जिदों में, सब जगह पैसा लगाते हैं, वहां पे अपन नाम लिखवाते हैं, सब करते हैं। कोई गरीब जो लोग होता है उनको जब तक अपन साथ नहीं बढ़ाएंगे, हिंदुस्तान में 3 चीजें बढ़ी है राखी जी, गरीबी, अमीरी और कचरा जी। इसके अलावा चौथी चीज मेरे को नहीं लगता कुछ बढ़ी हो यहाँ पे आज की तारीख में। तो ये सबसे अगर हम बात करें हिंदुस्तान, और जैसे आप USA में रहते हैं तो वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर भी, क्या वहाँ रेप नहीं होते? बहुत रेप होते हैं वहाँ, तो बहुत तो रेप वहाँ होते का क्या सिस्टम है? वहाँ का जस्टिस सिस्टम है, वहाँ का जस्टिस जो है बहुत फास्ट है, तो लोगों को एक डर रहता है लॉ का। यहाँ पे लॉ का डर ही नहीं है किसी को। आज आपके जो 4 आदमियों को इन्होंने दिए है अभी मौत की सजा दी है, यहाँ पे कसाब को लगाने में फांसी 4.5 साल लग गए थे, तो ये 4 को अभी 4-5 साल ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। और जो आदमी जुवेनाइल है, जो 17 साल का लड़का है जिसको इन्होंने डाल दिया जेल के अंदर, ना तो आपको उसके बारे में पता है, ना आपने शक्ल देखी है, ना कुछ करा है, अभी वो आप ही यहाँ पे आएगा 4 साल बाद, हो सकता है आपकी गाड़ी का ड्राइवर हो जाएगा, वो आपको पता ही लगेगा वही आदमी है। सेक्स ऑफेंडर्स की लिस्ट जो होती है वो समाज को रिलीज करना बहुत जरूरी है, पुलिस को या सुप्रीम कोर्ट को रिलीज करना, ये सेक्स ऑफेंडर्स हैं। आपने जो जिनका रेप होता है उनको तो गुमनामी में धकेल दिया, और जो लोग अपने इसके अंदर कल्प्रिट होते हैं वो तो बाहर घूमेंगे, उनकी सजा हो जाएगी 4-5, कितने साल सजा, अभी कितने केसेस आ रहे हैं जिसमें 10 साल की सजा है, 7 साल की सजा है, वो तो बाहर आ जाएंगे जी। अभी जी, लेकिन आप सोचते हैं कि आपकी मुहिम छेड़ने से हो सकता है कि बहुत बड़ा
चेंज आ जाए, लेकिन आज कानून ने भी बहुत अपने बहुत सारे निकाले हैं लॉज, इसके साथ वेलफेयर सोसाइटी भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, फिर भी दिन पर दिन रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल वक्त है खास मुलाकात में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास मुलाकात में, और आज हम बात कर रहे हैं एनआरआई अवि डांडिया जी से, जिन्होंने मुहिम छेड़ी है बलात्कार पीड़िताओं को न्याय दिलवाने की। अवि जी वापस हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका, और हम बात कर रहे थे बलात्कार पीड़िताओं के लिए आप मुहिम छेड़ चुके हैं, और हिन्दुस्तान में आपने शुरूआत कहां से की हम ये जानना चाहेंगे। सबसे पहली शुरूआत ये थी राखी जी, इसके अंदर जो भी अपने पीड़िता हैं वो अपना मुंह क्यों छुपाएं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा, वो क्यों मुंह छुपाएं। मुंह तो उनको छुपाना चाहिए जो लोग ये करते हैं दुष्कर्म, उनको तो नहीं करना चाहिए जो लोग करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जितनी एसिड अटैक विक्टिम्स थी, रेप विक्टिम्स थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस की, उसमें से हमने बहुत सारी लेडीज इकट्ठी करी और जंतर मंतर में हमने 2 तारीख को एक असेंबली करी। समाज को जोड़ना बहुत जरूरी है, गरीब समाज और अमीर समाज को, जो ऊपर वाले बैठे हैं उनको पता ही नहीं कि नीचे वालों के साथ हो क्या रहा है, तो उनको समझना जरूरी है कि उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। सेकेंडली इनको जस्टिस दिलाने का काम था, इनके पास इतने पैसे नहीं होते। जैसे मैंने आपको कहा, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में लॉयर्स इकट्ठे कर रहे हैं, बड़े बड़े लॉयर्स से मेरी बातचीत चल रही है जो इन लोगों के केसेस फ्री में फाइट करेंगे। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, रेप में कोई सरकार में कोई मिनिस्टर जाके नहीं बोल रहे कि रेप हो रही है, अपनी सामाजिक प्रॉब्लम है। वो जो मिनिस्टर है वो भी अपने समाज के हैं, उनमें कोई ऐसा खोट आ गया है, और एक तरह का आप समझिए डेविल घुस गया है यहाँ पे। जिस तरह के रेप हो रहे हैं आप, वो एक इसके अंदर डेविल ही कर सकता है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो उसकी काउंसलिंग की जरूरत है, उससे बात करने की जरूरत है कि तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने इतना जो घिनौना अपराध किया तुम क्यों करते हो। वो तो होता नहीं, इनकी सजाएं हो जाती हैं, सजाएं होने से कुछ नहीं होने वाला। आप देख लीजिए जब से ज्योति का हुआ है किस्सा, उसके बाद से तो रेस बढ़ी रहे। जी बिल्कुल, और अगर हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च के दौरान हम पाते हैं कि 5 साल में ये संख्या और ज्यादा बढ़ती गई। और राजस्थान के बारे में आपने अभी तक बहुत सारी स्टडी की, तो कौन सा नंबर आता है राजस्थान? अभी 4th नंबर पे, सबसे पहले वेस्ट बंगाल आता है, और राजस्थान 4th नंबर पे बहुत स्पीड से आया है। ये अपन लोगों ने यहाँ देखा नहीं है कि इतने स्पीड से यहाँ पे रेप बढ़े, कई रेप के रिकॉर्ड ही नहीं होते यहाँ पे। आप किसी भी पुलिस स्टेशन जाइए वो आपको आइडेंटिटी नहीं देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अभी मुझे अगर किसी रेप विक्टिम की हेल्प करनी है तो मैं उसकी हेल्प कैसे करूं, मुझे बताइए। अगर मुझे कोई भी पीड़िता है उसकी हेल्प करनी है, उसकी सर्जरी में हेल्प करनी है, एसिड अटैक विक्टिम की हेल्प करनी है, वी कांट डू इट। तो एनआरआई जो है वो सब कुछ करने को तैयार है, बनिस्पत ये कि हिंदुस्तान हमारे साथ चले। हम हिंदुस्तान में काम करना चाहते हैं, और यहाँ के जो तौर तरीके हैं काम करने के वो बहुत ही पुश्तैनी हो चुके जी। हम बिल्कुल चाहते हैं, अवि डांडिया जी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कि आप हमारे दर्शकों से क्या चाहते हैं, पब्लिक से क्या चाहते हैं, समाज से क्या चाहते हैं, क्या बदलाव की जरूरत है आप उन्हें बताइए। बदलाव एक ही है समाज से, एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा समाज को, कि समाज पूरा हिंदुस्तान माने। सबसे पहले समाज को बांटे नहीं पार्टियों में, आज अपना समाज बढ़ गया है, कांग्रेस बीजेपी अब एक आम आदमी पार्टी आ गए हैं, इनमें बांटे नहीं। सबसे पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद आप डिसाइड करिए आपको कौन सी पार्टी में जाना है, मगर सबसे पहले हिंदुस्तान का ख्याल करिए। आज समझिए मोदी जी आ जाते हैं या राहुल जी आ जाते हैं, वो थी ना बोलेंगे कि रेप करें, उनकी कोई उसमें गलती नहीं है, समाज की गलती है इसमें। समाज को अवेयर होना पड़ेगा और सारे तबकों को साथ चलना पड़ेगा, एक दूसरे की हेल्प। अवि जी बिल्कुल सही कहा आपने कि समाज की जरूरत है, समाज को सुधरने की जरूरत है। समाज भी हमसे बनता है, हम हिंदुस्तानियों से बनता है समाज, यानी कि हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, हर इंसान का, हर पुरुष का फर्ज है कि वो महिलाओं का सम्मान करे। और महिलाएं सम्मानित जब ही होगी जब वो सुरक्षित होगी। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्यों नहीं है? आज क्यों जरूरत होती है कि हर समय वो स्कार्फ लगाकर घूमती है, हर समय उसे एक डर लगा रहता है कि अंधेरा होते ही घर जाना है। तो ये सब चीजें हम बात करने से ही नहीं, इसका सॉल्यूशन जैसे कि आपने बलात्कारी जो भी पीड़िताएं हैं उनको न्याय दिलाने की बात की है, लेकिन वो कैसे आप तक अगर किसी बलात्कारी पीड़िता के साथ कुछ हुआ है, वो सपोज करो आपको देख रही है और वो आप तक कॉन्टेक्ट करना चाहती, तो कैसे करे आप तक? हमारी एक वेबसाइट है screamsofsouls.org, उसके अंदर आप वेबसाइट पर जाते हैं, और कुछ दिनों में हम लोग सारे लॉयर्स की लिस्ट हम इसके अंदर निकालने वाले हैं। कंप्लीट लिस्ट आएगी पेपरों के अंदर, जहाँ पे जैसे कोई भी अपनी लड़की समझिए इसके जोधपुर में है, जयपुर के अंदर ओपी जैन साहब हैं जिन लोगों ने हाँ कर दिया है मुझे, उनके साथ 4 और लॉयर्स हैं जो इन्हें केसेस फाइट करेंगे। आप ओपी जैन साहब को कॉन्टेक्ट करिए, ओपी जैन साहब बिल्कुल इसमें हेल्प करेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इतना बढ़िया मौका दिया है हमारे को समाज की हेल्प करने के, हम तो सब इसके साथ हैं। और ये बड़ा सिंपल है, आज की तारीख में अभी आपने कहा ये कपड़ा लपेट के चलती हैं, अभी आप कोई भी कॉलेजेस के बाहर चल जाइए, महारानी कॉलेज, किनोड़िया कॉलेज, कहीं भी, मैं रोज देखता हूँ ये सारे कपड़ा पहन के घूमती हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि अगर कोई भी गलत आदमी इनमें शामिल हो जाए
तो यहाँ की जो पुलिस है वो सब कैसे ढूंढेगी अगर कोई लड़की है, समझिए ह्यूमन बॉम्ब स्कार्फ पहनकर घूमना, हाँ, आपका मतलब क्यों है, क्यों पहननी है स्कार्फ पहन के? एक तो बिल्कुल अनहेल्दी है, वो एयर नहीं ले पा रही और सब स्कार्फ पहन के। और मुझे तो ये लगता है राखी जी, अगर कोई सुंदर लड़की है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, तभी तो उसको लगेगा कि वो सुंदर है। मतलब बिल्कुल उल्टा हो रहा है यहाँ तो खेल। अपने पिछले 20 साल पहले चले जाइए, 30 साल पहले चले जाइए, अपन ओपनली तारीफ करते थे, आज तो किसी की तारीफ भी नहीं कर सकते। आज कोई भी बच्चा पार्क में नहीं खेल सकता। आज से 20 साल पहले बच्चे बाहर खेलते रहते थे, किसी को चिंता नहीं होती थी। आज हर 5 मिनट बाद या तो उनका नौकर वहां खड़ा रहेगा, आजकल उन पे भी शक हो जाता है, या फिर अपने जो भी मतलब माता जी पिताजी उनके हैं वो बाहर खड़े रहेंगे, अकेले नहीं खेल सकते। अभी डांडिया जी, जैसा अभी आपने बताया कि हिंदुस्तान के बेस्ट जो भी वकील है, लॉयर्स आपसे जुड़े रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट वो पूरी सहायता करेंगे बलात्कार पीड़िताओं की, तो क्या जो वाकई न्याय मिल पाएगा? क्योंकि उच्च वर्ग जो होता है, लोअर क्लास को तो तुरंत समझ में आ जाता है, वो उनका केस दबा दिया जाता है। अगर हम अपर क्लास की बात करें तो क्या उन्हें भी सजा मिलेगी? मेरे पास एक एक इसके अंदर कंसेंट लेटर आ रहे हैं और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे ऊपर, पहली बात तो क्लास में बांटना बंद कर दीजिए हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान एक ही है। ये बात करना है, लेकिन जब बात आती है, बात आती है किसी के सामने, तो अपर क्लास तुरंत अपना काम रुकवा देता है पैसे देकर। अब नहीं रुकेगा। मेरे साथ अवनीश सारन करके हैं, जो काउंसिल इंडिया के वकील है हाईकोर्ट के अंदर। कोई भी पीड़िता आएगी, चाहे अमीर हो, जो लड़की है वो अमीर गरीब की दृष्टि उससे नहीं देखना चाहिए। वो पहली बात औरत है, लड़की है, जिनकी अपन लोग पूजा करते हैं, माँ सरस्वती दुर्गा। तो 9 दिन की पूजा क्यों करें? 365 दिन की करें ना। आपकी माँ है, मेरे को तो एक डर रहता है, हमारी माता जी अकेली रहती है यहाँ पे, अकेली बिल्डिंग में। कल उनके साथ कुछ हो जाए तो कोई एसिड फेंक दे, तो कुछ भी हो जाए, तो मैं तो सबके लिए कर रहा हूँ। और इसके अंदर अगर समाज एक समाज को बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि ये बहुत ही फास्ट डेवलप हो रहा है और बहुत ही डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल, और आज किसी और के साथ हो रहा है, कल हो सकता है आपके घर में भी किसी के साथ हो जाए। इसलिए जरूरी है मिलकर इस मुहिम के साथ आपके साथ जुड़ने की। और आप बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, और साथ ही आपने क्लीन सिटी जयपुर की अगर हम बात करें तो क्लीन सिटी यानी कि जयपुर की बेस्ट स्कूल में आप 40-44 स्कूल से आप जुड़े और वहां के स्टूडेंट्स के साथ आपने पूरी सिटी को क्लीन किया और इस मुहिम में आप काफी सक्सेसफुल रहे। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है राखी जी, हमारे बच्चे जो है वो क्लीनिंग नहीं करते हैं क्योंकि 18 साल की उम्र के कम लीगली अलाउड नहीं होते क्लीन। मगर मैंने जब ये शुरू किया था पिछले दिसंबर में, तो मैंने पहले बड़ों लोगों के साथ चालू किया था, बड़ों को हमने समझाने की कोशिश करी, बड़े नहीं समझते। तो मैंने इसका दूसरा राउंड अपनाया, मैंने कहा अगर मैं 5वीं क्लास के बच्चे को समझाऊंगा तो हो सकता है वो बड़े होके कचरा करना बंद कर दे और बड़ों को भी रोके। और जो छोटा बच्चा अगर आपके पास आके बोलता है कि राखी आंटी आप यहाँ कचरा मत डालिए, तो आप कचरा नहीं डालेंगे। अगर मैं आके बोलूंगा तो आप उल्टा मुझे सुना सकते हैं, और ये हुआ है। अभी जी हम बात कर रहे हैं रेप विक्टिम्स की, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है जस्टिस दिलाने में, पीड़िता को जस्टिस दिलाने में। तो आपका क्या मानना है कि जस्टिस मीडिया दिलाता है या फिर या उछालता है? उसको आप अलग अलग ढंग से गिन सकते हैं राखी जी। अगर मीडिया नहीं करता ये सब तो मुझे तो पता भी नहीं लगता। मैं तो मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने इतनी अच्छी तरह से सब चीज को हाईलाइट किया। मगर एक लेवल के बाद आप समझिए मीडिया का काम ओवर हो जाता है, उसके बाद एक नागरिक का काम शुरू हो जाते हैं कि नागरिक और लॉ का। लॉ अपने आप कुछ बहुत ज्यादा स्लो चलता है, ढीला चलता है, पैसे की किल्लत होती है गरीबों के पास, उनको जस्टिस नहीं मिल सकता यहाँ पे। अब समझिए मेरा बेटा है, मेरा बेटा रेप करता है, मेरे पास पैसे हैं, मैं सामने वाले को दबा दूंगा। अपने पिक्चरों में देखते हैं ये सब चीजें। अब हमने ये करा है कि इनको कोई दबा नहीं पाएगा, जितनी भी रेप विक्टिम्स हैं। कल हमारे पास एक फोन आया था मंडावी अपने यादव करके हैं, जो जिनका चंडीगढ़ से फोन आया था, एक लड़की का रेप हुआ है मिजोरम की, दिल्ली के अंदर, उसकी ड्रिंक स्पाइक कर दी गई थी। मेरे पास दोपहर में फोन आया था, हम उसका पता कर रहे हैं और उसको, और आज की तारीख में दिल्ली में आज शाम से पहले पहले हमारे साथ 18 लॉयर इकट्ठे हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। और हम लोग, और कॉन्स्टिट्यूशनली हमें कोई रोक नहीं सकता है कि हम इन्हें केस नहीं फाइट करें। हम तो फ्री में फाइट कर रहे हैं, हम इनसे फीस नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो ये इनको जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, आज जो रेप कर रही हैं, जो लोग रेप कर रहे हैं उनको पता है कि रेप होने के बाद भी वो लोग जेल से निकल सकते हैं, सब बहुत ज्यादा जरिए हैं निकलने के लिए। आप बॉम्बे वाला देख लीजिए, जर्नलिस्ट करे, पूरी स्टोरी छपी है उसकी, उससे हमारी बात हुई है, उन्होंने उनसे बात करी, हमने बोला उनको हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। अभी जी ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पे बात जितनी लंबी की जाए उतनी कम है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खास मुलाकात में मिलते हैं जल्दी ही। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास मुलाकात में। हम बात कर रहे हैं एनआरआई अभी डांडिया से, जिन्होंने मुहिम छेड़ी है बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलवाने की। अभी जी जैसा कि हम देख रहे हैं कि रेप के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सी एज वाली के साथ रेप हो रहे हैं? 14 to 17 का राखी ये सबसे बड़ा एवरेज आता है। और इसके अंदर मैं एक और चीज एम्फोसिस करूंगा,
कोई भी पीड़ित आप बाकी तो पहली बात तो हो नहीं रेप, अगर कुछ हो भी जाता है तो पुलिस आपकी दोस्त है, आप घबराइए मत जाने के लिए। पुलिस और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दोस्त मानिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, इन दोनों को अलग कर दिया है, पुलिस और पॉलिटिशियन सब लोग डरते हैं। नहीं, आप इस जगह अभी जी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि पुलिस और आपने बोला कि जैसे कि पॉलिटिशियन, दोनों ही कहीं ना कहीं कमजोर पॉइंट पे जा रहे हैं, इसी वजह से आज न्याय नहीं मिल रहा है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, वो आपके दोस्त हैं, आप उनसे जाके मिलिए, वो आपकी सुनेंगे। यहाँ पे पॉलिटिशियंस और जो अपने पुलिस से लोग बाग बिल्कुल घबराते हैं जाने पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन एक तरह से ऐसा हो जाए जैसे बिल्कुल हाई तौबा हो जाए। आप जाइए वहां से मिलिए, उनको रिपोर्ट लिखाइए, पूरी आपको हेल्प मिलेगी। सब जगह पुलिस वाले जिनसे मैं मिलता हूँ, मेरे को तो सारे अच्छे पुलिस वाले मिलते हैं। आप अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जाइए, आपको सब हेल्प करने की जरूरत है। दूसरा, मैं सबसे बड़ा राखी जी ये कहता हूँ, इंडिया के अंदर जिसकी इंडिया अभी मेंटली रेडी नहीं है फ्री सर्विसेज के लिए ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब जैसे व्हाट्सएप अपने मैसेंजर सर्विस देख लीजिए, 70% आपकी रूरल पॉपुलेशन है, एक स्मार्टफोन 5,000 रुपए का आ जाता है। अब उसके अंदर क्लिपें ट्रांसफर होती है बहुत जल्दी, आप लोगों को पता होगा नहीं होगा, क्लिपें बहुत जल्दी। अब कोई गांव का लड़का है जो 15 साल का वो क्लिपें देख रहा है, जो ये जो पिक्चरें आती है इनकी क्लिपें देख के उसका दिमाग वैसे ही हो जाता है सेट। इसको मैसेंजर सर्विस को पेड सर्विस करना बहुत जरूरी है इंडिया के अंदर जी, और इसके लिए भी आप कुछ वर्क कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने के लिए दिल्ली में, कि वही है कि हर चीज को पहुंचना, अब हमारे पास टाइम कम रहता है। मैं ज्यादा टाइम निकालता हूँ प्लानिंग करने में, एग्जीक्यूशन में बहुत कम टाइम लेता हूँ। ये जो आप रेप का भी सुन रहे हैं, इसकी 3 महीने की प्लानिंग थी, हमारे एग्जीक्यूशन में अभी 11 डेज हुए, 9 डेज टोटली। इसके अंदर हमने वकील भी जोड़ना शुरू कर दिए, और कोई भी वकील ने जिनसे मैंने बात करी है किसी ने मुझे मना नहीं किया है कि हम इसमें काम नहीं कर सकते। किसी ने बोले हम फ्री में लाएंगे, आप केसेस लेके आइए, हम इनके फ्री में केस लड़ेंगे। तो एक गांव में एक गरीब आदमी है, उसको बेचारे को एक जरिया तो मिल गया पहुंचने का, वो फोन करे इमीडिएटली उनके केस लिए जाएंगे। जी, आप रेप विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही आपने जैसे कि व्हाट्सएप के लिए कहा कि इस पे भी आप काम करने वाले हैं, जंग छेड़ने वाले हैं, और साथ ही आपने जंग नहीं छेड़ने वाला, मैं कोई जंग वंग नहीं छेड़ता, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि व्हाट्सएप एक मिशन है आपका, एक सोशल वर्क ही कर रहे हैं, सोच है। आज जैसे आपने टीम क्लीन जयपुर के बारे में बताया, रेप विक्टिम के बारे में बताया, ये सिर्फ सोच है, और मेरी कोई एनजीओ नहीं है। मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी कोई एनजीओ है, मेरा कोई मेरा कुछ नहीं है। मेरे 4-5 दोस्त मिलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग किसी से कोई फंडिंग नहीं लेते हैं, क्लियरली है। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है किसी भी चीज के। जी, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में आपका बिजनेस चल रहा है ज्वेलरी का, लेकिन आप हिंदुस्तान के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की छवि कहीं ना कहीं देशों में विदेशों में बिगड़ रही है, उस छवि को सुधारने के लिए आप हिंदुस्तान में आकर आपने ये रेप विक्टिम्स के लिए न्याय का काम किया है, और साथ ही आप जयपुर के रहने वाले हैं, पिंक सिटी के रहने वाले हैं, तो आपने टीम क्लीन जयपुर के लिए भी कुछ काम किया है, उसके बारे में बताएंगे। टीम क्लीन जयपुर एक सोच थी मेरी, जब हम लोग यहाँ पे अप्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था कुछ साल पहले, जब मैं आया था यहाँ पे, जयपुर को बड़ा जगमगा दिया जाता था। मैंने बचपन निकाला इस शहर में, और शहर की बिगड़ती हालात देखे मैंने। इसमें हम लोग हरदम एक ही लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, नगर निगम को। नगर निगम ठीक है, एक तरह से जिम्मेदार इसके अंदर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, मगर अपनी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपन खिड़की खोल के कचरा नहीं फेंके। मैं दुनिया में हर जगह घूमा हूँ, मैंने कभी भी किसी भी आदमी को बाथरूम जाते रोड पे ऐसे देखा नहीं, ओनली इन इमरजेंसी सर्विसेज। यहाँ पे आप देखिए सारे लोग यहाँ पे रोड पे बाथरूम करते हैं। हमारे साथ इसके अंदर स्कूल के प्रिंसिपल जुड़े, आप समझे, एमजीडी स्कूल की प्रिंसिपल है सुनीति शर्मा जी, टीआईएस के प्रिंसिपल है कमल राठौर जी, डीपीएस की सीमा भटनागर, आज की तारीख में 44 स्कूल में से जुड़ चुके हैं। और आपका जो ये मिशन था काफी सक्सेसफुल भी रहा। अब भी सक्सेसफुल नहीं है ये, जब तक मैं जयपुर को सिंगापुर की कैटेगरी में नहीं खड़ा कर लूं खुद, मीडिया के कहने से या किसी के कहने से मैं नहीं मानूंगा कि हाँ जयपुर अब सिंगापुर हो गया है। जब मुझे लगेगा सिंगापुर हो गया है, तब ये टीम क्लीन जयपुर उस दिन बंद हो जाएगी। और बहुत अच्छी मुहिम आपने छेड़ी है, आपके अंदर एक हिंदुस्तानी दिल है, जो जज्बा है कि हिंदुस्तान में जो छवि बिगड़ रही है उसे सुधारने के लिए आप काम कर रहे हैं। ये जज्बा यूं ही बरकरार रखिएगा, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, समाज में भी सुधार आएगा अगर आपने ये मिशन छेड़ा है, और मीडिया आपके साथ है, ईटीवी आपके साथ है, और हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ईटीवी और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी आप मिले एनआरआई अवि डांडिया जी से, जिन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, हम सबको जरूरत है इस मुहिम में साथ देने की। फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही, नमस्कार।